आपके जहन में क्या आता है? पैसा, गॉडेस लक्ष्मी, गॉड शिवा और शायद मोटा पेट। सड़क पर लेट गाड़ी आई, फुट गया पेट वाला मोटा पेट। जी यही है मेरे और आपके नजरिया का कुबेर। लेकिन क्या हो अगर ये कुबेर एकदम से दाढ़ी मूछ वाला, फिट बॉडी जिम वाला बन जाए तो? नॉट पॉसिबल राइट। पर इसी नॉट पॉसिबल को पॉसिबल करने आ रही हैं टॉलीवुड सिनेमा की तिगड़ी द कोलावरी धनुष नेशनल क्रश रश्मिका और बेस्ट डायरेक्टर ऑफ टॉलीवुड शेखर कमोला, जिन्होंने D51 से एक मूवी अनाउंस की थी जिसे फाइनली अपना टाइटल वारिस मिल गया है, जो है कुबेर। इसका महाशिवरात्रि के मौके पर एक मोशन पोस्टर आउट हुआ है जिसमें गॉडेस लक्ष्मी अपना धन का कटोरा किसी को देते हुए नजर आ रही हैं। उसके आगे धनुष को रफ और टफ कैरेक्टर में देखा जा सकता है। अब पोस्टर को शिवरात्रि के मौके पर रिलीज करने का क्या मतलब? तो इसके पीछे भी एक कहानी होगी। असल में लोगों में एक कहानी बहुत फेमस है। कहा जाता है कि पहले जन्म में कुबेर चोर थे। चोर भी ऐसे कि देव मंदिरों में चोरी करने से भी बाज ना आते थे। एक बार चोरी करने के लिए एक शिव मंदिर में घुसे, तब मंदिरों में बहुत माल खजाना रहता था। उसे ढूंढने पाने के लिए कुबेर ने दीपक जलाया, लेकिन हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। कुबेर ने फिर दीपक जलाया, फिर वह बुझ गया। जब वह बार बार कई बार हुआ तो भोले भोले शंकर ने इसे अपनी दीप आराधना समझ लिया और उन्होंने खुश होकर अगले जन्म में कुबेर को धनपति होने का आशीर्वाद दे डाला। उसी आशीर्वाद से वो धन संचय से देवता बने, जिन्हें कलयुग में कुबेर के नाम से जाना जाता है। वही मूवी का कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है। इसमें बस माइथोलॉजी का कॉन्सेप्ट लोगों में क्यूरियोसिटी देने को ही गया है। कुबेर का कॉन्सेप्ट है कि वो पैसे को इकट्ठा करके रखते हैं। ऐसे में ऐसी सिचुएशन कलयुग में डीमोनेटाइजेशन के वक्त आई थी, जब देश में बहुत सा ब्लैक मनी जमा थी। कहते हैं कि अगर पैसे को जमा करके रख लिया जाए तो पैसे में बरकत नहीं होती है, इसलिए उसमें प्रवाह जरूरी है, इसे लक्ष्मी कहते हैं। कुबेर का कॉन्सेप्ट इसी डीमोनेटाइजेशन पर बेस्ड हो सकता है, क्योंकि धनुष और नागार्जुन कोई बिना मार धाड़ वाली फिल्म तो नहीं करेंगे। तो पॉसिबिलिटी यही कहती है कि घूसखोरी रिश्वत पर बनी फिल्म कुबेर हो सकती है। वैसे धनुष इन दिनों अपनी कई फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त है। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में रिलीज होगी। फिल्म का निर्माण नारायण दास के नारंग, सुनील नारंग और पुष्कर राम मोहन राव ने अपने बैनर श्री वेंकटेश्वर सिनेमा और एमी घोष क्रिएशंस के तहत किया है, जबकि देवीश्री प्रसाद फिल्म के लिए संगीत दे रहे हैं। तकनीकी टीम में सिनेमेटोग्राफर के रूप में निकेश बोमी शामिल है। आपको इस फिल्म थ्योरी पर क्या विचार है हमें कॉमेंट में बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। WhatsApp hi to 8828 8500 88.